विश्व जागृति मिशन के तत्वाधान में आशियाना स्थित दिव्य योग आश्रम में हर्षोल्लास के साथ होली उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का चंदन गुलाल का टीका लगाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मिशन के प्रधान राकेश अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, शोभा अग्रवाल, गीता अग्रवाल, विवेक शर्मा सभी ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महिला मंडल ने फागुन गीत गाकर मंदिर प्रांगण में भक्ति रस में डुबो दिया, जिसमें पूनम गुलाटी, किरण शर्मा, मनीष गुप्ता, अंजू विदुला, मधु यशोदा आदि ने ब्रज में होली के गीत गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया और सभी सुंदर भजनों पर नाचते गाते हुए नजर आए। एक के बाद एक सुंदर भजन सुनकर और गाकर सभी उपस्थित जनसमुदाय ने राधा रानी और कन्हैया के संग फूलों की होली का आनंद लिया और सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में संस्था प्रधान राकेश अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, आरके गंगवार, विवेक शर्मा, अतुल जौहरी, अश्विनी सेठ, गंगाराम, आरसी शर्मा के अलावा अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर सभी ने एक दूसरे को होली का रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और सभी से कहा कि मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाएं और सभी एक साथ मिलजुल कर रहें। कार्यक्रम को लेकर रंगों का प्रोग्राम है, रंगों भरी
पिचकारियों का उत्सव है। फूलों की होली हम राधा कृष्ण के साथ आज खेल रहे हैं, बहुत उमंग और उत्साह के साथ। सभी आपको देख लिया आपने कितने उमंग उत्साह से मैं भरा हुआ है। एक तो गुरु जी के आने का उत्साह है और दूसरा से होली का उत्साह। आज तो रंगारंग आनंद ही आनंद है। कुछ कहना चाहेंगे होली के अवसर पर सभी को? हमें अपनी पिछली बुराइयों को सब भूल कर और आज के वातावरण को रंगमय बनाकर और सभी को रंगमय होना चाहिए, बुराइयों को दूर करके। होली का त्यौहार मनाया ही इसीलिए जाता है कि जितनी बुराइयां हैं वो सब हमारी होली की अग्नि में सब दहन हो जाती हैं और हमारी अच्छाइयों का उदय होता है। यही हमारे गुरु जी का होली का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुरुवर्ग के आने की बस प्रतीक्षा है। सब में श्रद्धालुओं बड़ा जोश भरा हुआ है और आज से 15 दिन बाद गुरुवर हमारे बीच में होंगे। इसी उत्साह के साथ में आज होली का उत्सव बड़े धूमधाम से और बड़े पुष्पों की वर्षा के साथ मनाया जा रहा है। धन्यवाद। हरिओम।